ये बहुत बड़ा एटीट्यूड और काम होता है जो कि हर एक योगी कर पाता है, और जो हम नॉर्मल इंसान होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। इसके लिए एक बहुत पावरफुल शब्द और बहुत पावरफुल काम है जो कि हर एक इंसान को करना पड़ता है, तब जाके वो इंसान जो चाहता है उसको वो चीज़ मिल पाता है, और वो काम होता है दोस्तों हरे कृष्णा। आपका दीपक भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों एंड तक, बहुत पावरफुल टिप्स मिलने वाले हैं आपको। ये वीडियो आपको बताने वाली है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य के फ़ायदे कितने दिन बाद दिखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों का रहता है जो कि ब्रह्मचर्य करना शुरू करते हैं और उन्होंने कुछ दिन तक कर लिया है या फिर कुछ महीनों तक कर लिया है, लेकिन फिर भी उनको ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं दिख रहे हैं। उनको ब्रह्मचर्य करने के बाद भी शरीर में अजीब सी थकान बनी रहती है, मसल्स ग्रो नहीं हो पाती उनकी, जो कि एक ब्रह्मचारी की डेफिनेटली बहुत पावरफुल तरीके से ग्रो रहती हैं मसल्स, लेकिन उसमें ये चीज़ दिखता नहीं है उसको, और वो अच्छी अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती है, और अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई फ़ायदा या फिर कुछ असर नहीं दिखता उनके शरीर में, तो उनको लगता है कि मुझे ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं हो रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य मुझे करना क्यों है, इसलिए वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे भाइयों इसका सॉल्यूशन नंबर 6 पॉइंट में मिलने वाला है दोस्तों, तो उस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको दोस्तों, तो इस वीडियो पर ज़रूर बने रहना मेरे भाइयों। और उससे पहले कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो कि सबसे पावरफुल हैं, जो कि आपके ब्रह्मचर्य के लिए, उसको जरूर सुने मेरे भाई। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों वो ये कहता है आज का कि जो दोस्त ब्रह्मचर्य कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं मिल रहे हैं, निराश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे फायदे नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए आपको तो सबसे पहले खुश होना चाहिए मेरे भाइयों कि आपने ब्रह्मचर्य करना शुरू कर दिया है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है आपके लिए, तो निराश क्यों होते हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपने ब्रह्मचर्य करना शुरू कर दिया है और आप कर रहे हो लगातार, बल्कि आपने शुरू ही नहीं किया बल्कि आपने इतने दिन तक कर दिया ब्रह्मचर्य, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो इस बात की सबसे पहले तो खुशी मनाओ यार कि हाँ यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है इस बात पे कि मैं दिल से ब्रह्मचर्य करना शुरू कर दिया मेरे लिए, जो कि लाखों लोगों में से जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय लाखों लोग अपनी हस्तक्रिया करके वीर्य का नष्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक बंदा है जो कि दिल से ब्रह्मचर्य कर पा रहा है, वो इंसान आप हो मेरे भाई। तो इस बात पे प्राउड फील करना शुरू करो यार सच में। नंबर दो, बहुत सारे भाई लोग जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ लेकिन मुझे ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट कहता है कि अब निराश होकर एक गलती से भी मत करना मेरे भाई, जो कि लगभग 80% लोग कर देते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य करते हुए, वो सोचते हैं कि फायदे नहीं दिख रहे हैं, और चेक करने के लिए खुद को कि भैया क्या मैं वही हस्तक्रिया फिर से कर सकता हूँ, ये चेक करने के लिए वो दोबारा से वही क्रिया कर देते हैं, और इस बार वो क्रिया करने के बाद वो धड़ाम से इतने ज़ोर से गिरते हैं दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जो माया है वो उनको फिर से फंसा देती है दोस्तों अपने आप में, जो ये ब्रह्मचर्य है दोस्तों आप में संयम लेके आता है, उस संयम के साथ आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं, कंट्रोल रख पाते हैं अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे, अपने हाथों पे, जो कि आप वो क्रिया करते हुए नहीं रख पा रहे थे। तो दोस्तों ये फ़ायदा आपको बहुत पावरफुल हो रहा है ब्रह्मचर्य का, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे तो फायदे हो ही नहीं रहे, लेकिन मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, तो इसकी खुशी मनाओ और गलती से भी ऐसा कार्य मत करना कि फिर से धड़ाम से गिर जाओ यार, और उस धड़ाम से गिरने से पहले एक बार सोच लेना मेरे भाई कि मैंने लास्ट बार जो किया था हस्तक्रिया करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट आया था मेरे अंदर कि मैंने क्यों किया ऐसा, उस बात को याद रखना मेरे भाई, तो कभी नहीं करोगे दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर एक एटीट्यूड अपने आप में ला सकते हो तो मेरे भाइयों ब्रह्मचर्य करते हुए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपकी लाइफ के लिए, वो है कि हर तरह के सुख की चिंता करना बंद करो, हर तरह की इच्छा का त्याग कर दो, आंखों से कुछ अच्छा देखना जैसे कि अश्लील वस्तुएं देखना या किसी स्त्री को देखना सुंदर या कुछ भी इस तरह का, या इसी तरह से स्वाद के रूप में जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा और मीट मांस खाना दोस्तों, स्वाद के लिए किसी जानवर की हत्या कर लेना दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को कम करना, या इसी तरह से अपनी इंद्रियों को, जननेन्द्रियों को, इनके सुख की भी चिंता बंद कर दो, उसके साथ साथ जो ये फायदे वाली चिंता आप कर रहे हैं दोस्तों उस चिंता को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। ये एटीट्यूड लाओ अपने आप में और समझो कि यार मुझे एक समान रहना है और मुझे ना दुखी रहना है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश रहना है, मुझे एक समान रहना है। ये बहुत पावरफुल एटीट्यूड होता है मेरे भाइयों, जो कि एक महान संत में और महान योगी में होता है, और ये एटीट्यूड अगर आप में आ गया मेरे भाई तो समझो कि यार फिर ब्रह्मचर्य के फायदे से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और आप दिल से ब्रह्मचर्य कर पाएंगे और परमात्मा से भगवान से जुड़ पाएंगे यार, और उससे बड़ी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं होने वाली है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड और काम होता है जो कि हर एक योगी कर पाता है, और जो हम नॉर्मल इंसान होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन आपको बनना है दोस्तों एक महान योगी, तो मैं आपको ये बस एक छोटा सा टिप दे रहा था,
नंबर चार, अब दोस्तों आपसे मेरा एक प्रश्न है। वो प्रश्न कहता है कि आप लोग बोल रहे थे कि भैया आपको तो बिल्कुल भी फायदे नहीं दिख रहे ब्रह्मचर्य के, तो एक बात बताना मेरे को कि जो आप पहले हस्तक्रिया करते थे और बहुत ज़्यादा बुरा फील करते थे, क्या वो अब भी हो रहा है क्या कि भैया मैंने हस्तक्रिया कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों अपने वीर को नष्ट किया, क्या ये आपको अभी भी फील होता है? नहीं होता ना, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है मेरे भाई। इसी तरह से आप हस्तक्रिया के बिना रह तक नहीं पाते थे मेरे भाई, लेकिन अभी आपने लगभग 15-20 दिन 30 दिन भी या फिर 5-10 दिन भी कर दिया मेरे भाई, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ है और आप कितना फ्री महसूस करते होंगे दोस्तों कि भैया मैं उस हस्तक्रिया को किए बिना रह पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत खुशी की बात नहीं है आपके लिए, है ना? तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी फायदे नहीं मिल रहे हैं मेरे भाई? ऐसा बोलना बंद कर दो यार, आपको हर तरह के फायदे मेरे भाइयों मिल रहे हैं यार, तो इसलिए करते रहो यार। नंबर पाँच, हम सब इंसान इस दुनिया में चाहते तो सब कुछ है कि हमें सब कुछ मिल जाए। आपको सच में ब्रह्मचर्य के फायदे चाहिए ना मेरे भाई, और ब्रह्मचर्य के फायदे के साथ साथ आप लाइफ में सफल भी बनना चाहते हो ना मेरे भाई, या फिर लाइफ में अच्छा शरीर के साथ साथ अच्छा दिमाग भी पाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत पावरफुल शब्द और बहुत पावरफुल काम है जो कि हर एक इंसान को करना पड़ता है, तब जाके वो इंसान जो चाहता है उसको वो चीज़ मिल पाता है, और वो काम होता है दोस्तों सब्र। ये सब्र के बिना इस दुनिया में कुछ भी मिलता नहीं है। इंसान सोचता है कि मुझे कोई भी चीज़ है वो मुझे जल्दी मिल जाए, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझो मेरे भाई, अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है तो क्या आप एक स्टेप में पूरी सीढ़ी चढ़ सकते हो ऊपर तक? या फिर अगर आपको क्लास में टॉप मारना है तो क्या आप एक दिन में पढ़ के क्लास टॉप मार सकते हो मेरे भाई? या फिर एक दिन में पढ़ के आप फेल हो जाओगे ना सच में? तो यही सफलता का रूल है मेरे भाई। अगर आपको सफल बनना है तो सब्र के साथ लगातार काम करते रहना पड़ता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य में सफल बनना है और ब्रह्मचर्य के फायदे भी चाहिए तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको उस ब्रह्मचर्य का फायदा मिल पाता है मेरे भाई, ये तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो सब्र के साथ लगातार मेरे भाई ब्रह्मचर्य करो और लाइफ में जम के काम करो यार, तब जाके आपको हर फायदा मिलता है, याद रखना इस बात को। नंबर सिक्स, जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ लेकिन मुझे ब्रह्मचर्य के फायदे नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये पॉइंट कहता है कि जो ये आपको लग रही हैं समस्याएं हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। ये बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों जो कि इंसान को ऐसा फील करवाता है, और टेस्टो हार्मोन पुरुषों के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है दोस्तों। अब बताता हूँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके के बारे में मेरे भाई, अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो 100% आपको फ़ायदा भी मिलेगा और जल्दी भी मिल सकता है दोस्तों फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तरीका कहता है कि सबसे पहले तो आपको अच्छा भोजन रखना है, आपका हर रोज़ एक्सरसाइज करते रहनी है आपको, और दिल से ब्रह्मचर्य करना है दोस्तों, और इन सब बातों का ध्यान रखना है जो कि आपको अभी तक मैंने बताई है। और उसके साथ साथ जो आपका टेस्टो लेवल शायद कम हो चुका है, जो कि एक पुरुष हार्मोन है, मेल हार्मोन कहते हैं इसको, जो कि पुरुषों के लिए बहुत पावरफुल हार्मोन होता है, जब यह हार्मोन शरीर में होता है पुरुषों के तो इससे पुरुषों के बाल, दाढ़ी के बाल, और उसके साथ साथ ये हार्मोन पुरुषों में स्टेमिना को बढ़ाने में या फिर एनर्जी का लेवल बढ़ाने में या फिर उनके शरीर के दाढ़ी मुच्छों के बाल और आवाज़ में भारीपन, ये सब टेस्टो हार्मोन के लेवल अच्छे होने की वजह से होता है दोस्तों। और अगर ये हार्मोन थोड़ा कम मात्रा में होता है तो ये ब्रह्मचर्य के जो फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं और बहुत सारी कमजोरियां बनी रहती हैं शरीर में, वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। और आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं दोस्तों जो कि टेस्टो लेवल को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं जो कि नकली दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, और उनको खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसान को हो जाती हैं दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उनके, और हमारे युवा रोते फिरते हैं भैया कि यार मैंने वो दवाई खाई थी अब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप नेचुरली अपने टेस्टो हार्मोन के लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो मेरे भाई उसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक औषधि का यूज करना पड़ेगा मेरे भाई, जो कि है मेंश्योर। इसको यूज करने से आपके टेस्टो लेवल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये एक तो आयुर्वेदिक है और इसमें गोखरू बड़ा, तल मखाना, श्वेत मुसली, वन्य काहू, जीवंती, अश्वगंधा, कौंज बीज और उत्तंगन बीज, तो मेरे भाइयों ये सारे के सारे जो भी औषधियाँ हैं वो सारी आयुर्वेदिक हैं और ये हमारे टेस्टो हार्मोन को लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपके एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, थोड़ा जल्दी मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और कब लेना है, कैसे लेना है, वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है मेरे भाइयों, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको, मेंश्योर का टेस्टो बूस्टर। तो मेरे भाइयों फाइनली एक बात बोलूँगा बस कि चिंता छोड़ो,
खुश रहना चाहिए दोस्तों। ब्रह्मचारी जो होता है दोस्तों खुश रहता है, हमेशा एटीट्यूड में रहता है अपने, और लाइफ में जम के काम करता है दोस्तों। वो इस तरह की चिंताएं नहीं करता है कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो बस दिल से ब्रह्मचर्य करता जाता है और भगवान में मन लगाता जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो डेफिनेटली अब आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। और अगर आपको 1% भी कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो आप चाहें तो लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें दोस्तों। लेकिन इन बातों का हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई। हरे कृष्ण।